लोगों के खून से अपने हाथ नहीं रख सकता। क्या बात की आदि पुरुष के डायरेक्टर ने मीडिया से? क्या है तन्हाजी और आदि पुरुष के बीच सिमिलैरिटीज? कौन सा किरदार रहा मेकर्स के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। श्री राम के थ्रू अपनाई गई बुराई पर अच्छाई की तरकीब के बाद हासिल करती जीत के ऊपर डायरेक्टर आदि पुरुष फिल्म लेकर आ रहे हैं। यूं तो फिल्म प्रोड्यूसर्स शूटिंग रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने उनके आशाओं पर पानी फेर दी। फिल्म को 3G में बनाया गया है। ओम राउत आदि पुरुष के डायरेक्टर ने फिल्म में सबसे चैलेंजिंग रावण का किरदार को बताया। उन्होंने कहा कि तन्हाजी में जिस हिसाब से 3G इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, उसी तरह की टेक्निक्स इस बार भी की जाएगी। इनफैक्ट उससे कई गुना आगे बढ़कर काम किया जा रहा है। फिल्म में 7000 साल पहले की पृथ्वी दिखाने के लिए उनके अकॉर्डिंग शूट लोकेशंस प्रिपेयर होती थी। ओम ने यह भी कहा कि तन्हाजी में भी सैफ का नेगेटिव किरदार दर्शाया गया था। उसी तरह इस बार सिर्फ 3D स्टाइल ही नहीं, सैफ को मिली रोल्स में काफी हद तक सिमिलैरिटी भी होगी। अचानक से ऐसी 3D माइथोलॉजिकल फिल्म लेने के पीछे क्या थी उनके विचार, ये उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमेशा से ही उनका इंटरेस्ट हिस्ट्री और माइथोलॉजी में रहा है। ओम का कहना ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि कुछ स्टोरीज के किरदार को पढ़ते वक्त वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। इसी वजह से वो चाहते हैं कि ऐसी बेहतरीन कहानियों को नए ढंग से ऑडियंस तक पहुंचाना चाहिए। हो सकता है यही कारण है कि इस फिल्म में रावण के पर्सपेक्टिव को रावण से की गई सारे पापों के माध्यम से दिखाई जाएगी। फिल्म को बनाने के पीछे कैसे करेंगे ओम राउत अपने आप को माफ? क्या होगा आगे फिल्म की शूटिंग सेट पर और कैसा होगा फिल्म के कास्ट का रिएक्शन, हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीवुड स्टूडियोज में और देखते रहिए हमारी सारी वीडियोस। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।